करने के लिए सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है, विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। मैं पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन भी अब आपको कराना चाहूंगा, फिर मैं अपने अगले मेथड पे आऊंगा विच इज मिडिल टर्म ब्रेक ऑफ फैक्टराइजेशन। लेकिन लेट से आपके पास क्वेश्चन है, दिस वन, और मैं आपको कहूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, तो इस वक्त अगर आप गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाय फॉर्मूला मेथड सॉल्व करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वक्त अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सकीना एंड जुबैना, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करूं, क्या अलजबरा आप अप्लाई करेंगे इस पर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए? सर, यस, द ब्रैकेट विल बी मल्टीप्लाइड। गुड, एक्सीलेंट। तो सर हम यहाँ पे पहला काम ये कर सकते हैं कि हमें सिंप्लीफिकेशन नजर आ रही है ये कि दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मैं जब दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो x मल्टीप्लाई होगा x माइनस फाइव से, प्लस वन मल्टीप्लाई होगा x माइनस फाइव से, x का स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, x स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो मेरे ख्याल से आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, और जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई तो अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो ए आपके पास वन, बी आपके पास माइनस फोर, सी आपके पास माइनस फाइव। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेथड अप्लाई करता हूँ विच इज एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो माइनस बी की जगह माइनस फोर, प्लस माइनस माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस फाइव डिवाइडेड बाय टू इंटू वन। x इक्वल्स टू फोर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस माइनस रूट 36 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस माइनस 36 का डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है विच इज 6 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हो गई, या तो 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 या 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, 5 माइनस 1। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज कर्ली ब्रैकेट में 5 कॉमा माइनस 1। तो आज मैंने आपको नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का पहला तरीका ये बताया कि अगर आपके पास ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप एक काम ये करें कि उनको मल्टीप्लाई करके उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएं। अच्छा, एक और पैटर्न भी आपके सामने रखता हूं, आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ लेके जाता हूं। लेट्स से क्वेश्चन है,
यस क्वेश्चन है आपके पास विच इज एक क्वेश्चन और कराता हूं x माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू वन. तो मेरे ख्याल से अगर इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहूं तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मल्टीप्लाई होते हुए नजर आ रहे हैं, दैट मींस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 1. 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस x माइनस 3 अपनी जगह, ये 1 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, माइनस 1 इक्वल्स टू 0. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस इक्वल्स टू 0. अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, तो अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं जर्नल फॉर्म जो कि आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए आपके लिए 2, बी आपके लिए 1, सी आपके लिए -4. अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 ए, माइनस बी की जगह 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 2 सी की जगह -4 होल डिवाइडेड बाय 2 इनटू 2. आगे बढ़ता हूं, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, -1 अपनी जगह, अच्छा सॉरी बी की जगह मैंने वैल्यू वाला लिख दी, इट्स 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16 2 जा 32. तो ये आपका आंसर आ गया, -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4. पेपर वन का आंसर होगा तो मैं लिख दूंगा -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4, या फिर -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4. और अगर पेपर टू हुआ तो मैं रूट 33 निकाल लूंगा डेसिमल में, ये तो पेपर वन के रिस्पेक्ट से. पेपर टू के रिस्पेक्ट से अगर मैं 33 का रूट निकालूं तो तकरीबन आपका आंसर आएगा 5.7, क्योंकि 36 के करीब है ना, तो 36 का रूट होता है आपके पास, यस एक्सीलेंट, 5.7 ही आ रहा है. तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 5.7 डिवाइडेड बाय 4, -1 प्लस 5.7 डिवाइडेड बाय 4, -1 माइनस 5.7 डिवाइडेड बाय 4. ये हो गया 4.7 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया -6.7 डिवाइडेड बाय 4. तो आपके लिए x का पहला आंसर आ गया 4.7 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं 1.175, और दूसरा x का आंसर आ गया 1.675. Therefore, solution set is curly bracket में 1.175 and -1.675. So कहने का मकसद, पहला नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड समझ में आता है कि अगर आपको ब्रैकेट्स दी हुई हो तो आप उसको नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं. अब लेट्स से आपके पास क्वेश्चन है, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके पास मैं बना सकता हूँ. एक काम ये करें, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप भी मेरे लिए करें पहली वाली टाइप का ही. ये है क्वेश्चन, 3x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू -x स्क्वायर. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, आप लोगों के पास 3 मिनट है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
Sir? Yes, class. Answer not possible. Take care. 3x square minus 3x plus 2 equals to minus x square. माइनस एक्स स्क्वायर यहां से लेकर आओगे यहां पर तो ये 3x स्क्वायर के साथ आके ऐड हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 बिल्कुल सही कहा तुमने सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि अगर मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूंगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a तो माइनस माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 8 तो एक्स इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 32 करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस 23 और रूट में नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब नॉट पॉसिबल ठीक है तो इसका मतलब पहली टाइप आप नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड बड़े आप आराम से बना सकते हैं जो कि बेसिकली आपके पास है पॉसिबल सॉरी हाँ बिल्कुल सही कहा सगीना तो सेइंग दैट इट्स नॉट पॉसिबल यस अब आ जाओ अगले कॉन्सेप्ट पे अगला नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड बनाने का तरीका आपके सामने रखता हूँ जिसमें आपको जो क्वेश्चन होंगे उसमें फ्रैक्शन नजर आ रहे होंगे यस मेरा क्वेश्चन है 2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 3x इज इक्वल टू 4 देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं बताएं कैसे बनाएंगे क्या अलजबरा अप्लाई करेंगे आप जिससे ये आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा सर विल टेक द एलसीएम ठीक है एक तरीका तो ये है कि आप एलसीएम लें गुड हो गया लेकिन एक बात बताएं ज्यादा आसान तरीका नहीं है कि इसका डिनोमिनेटर 1 है मानता हूं मैं आप एलसीएम ले सकते हैं लेकिन अगर यहां पे एक और तरीका अपनाया जाए विच इज गौर करिएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 3x पहले लिख सकता हूं ये बताओ Yes or no? Yes. Yes, sir. We can अब minus 3x. Done. और उसके बाद ये जो नीचे x plus 1 है ये यहाँ पर divide हो रहा है तो वहाँ जाके क्या होगा? Multiply. So that means I will write it down as 2 equals to 4 minus 3x into x plus 1. अब दोबारा से ये तुम्हारे पास कौन सी केस बन गया कि सर दो ब्रैकेट्स हैं तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं मैंने कहा कर दो 4 इंटू एक्स 4 एक्स 4 इंटू 1 4 माइनस 3 एक्स इंटू एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स इंटू प्लस 1 माइनस 3 एक्स 4 एक्स माइनस 3 एक्स हो गया x इन दोनों को साथ सॉल्व कर सकते हो प्लस 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर इन तीनों को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x माइनस x हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4 हो जाएगा और पहले से वहां पे प्लस 2 चल रहा है तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म ये ज्यादा आसान तरीका है एलसीएम कब लेंगे वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन अभी मैंने सिर्फ फ्रैक्शन एक इन्वॉल्व किया मैंने फ्रैक्शन इस वक्त एक इन्वॉल्व किया एक से ज्यादा भी कर सकता हूं लेकिन अभी आपके सामने मैंने सिर्फ एक स्टार्ट किया ठीक है ना अब इसको सॉल्व कर लें बेशक
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए माइनस इंटू माइनस वन प्लस माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए थ्री सी माइनस टू डिवाइडेड बाय टू इंटू थ्री माइनस माइनस वन हो गया प्लस वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस माइनस प्लस फोर थ्री जा ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय सिक्स वन प्लस माइनस रूट ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्स रूट ट्वेंटी फाइव इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसका मतलब मैं उसको लिख सकता हूँ एक्स इक्वल्स टू वन प्लस माइनस फाइव अपॉन सिक्स अब पहली पॉसिबिलिटी क्या बनेगी पहली पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि वन प्लस फाइव अपॉन सिक्स मतलब सिक्स अपॉन सिक्स मतलब वन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी वन माइनस फाइव अपॉन सिक्स मतलब माइनस फोर अपॉन सिक्स मतलब माइनस टू अपॉन थ्री ठीक है चाहो तो अपना आंसर डेसिमल में भी रख सकते हो वरना फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज वन कॉमा माइनस टू अपॉन थ्री अच्छा जी अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं क्योंकि देखिए नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड भी अगर आप फॉर्मूला मेथड में सीख लेंगे ना तो अगर आप वो आपको वो आपको परफेक्ट स्क्वायर बोले या मिडिल टर्म बोले तो वो तो मेथड सिर्फ डिफरेंट होगा ना तरीका तो नॉन स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड जाने का यहाँ भी वही होगा तो मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ ये है वेट अ सेकेंड Yes, question is x upon 4 minus x minus 2 upon x equals to 3. अच्छा अब जब दोनों fractions हो जाएं, जब दोनों fractions हो जाएं, तो उसमें तरीकेकार आपका ये होना चाहिए कि आप लें LCM. यहां पे अब मैं आपको नोट के तौर पे बात बताऊंगा कि यहां पे आप लेंगे LCM. अच्छा देखिए नंबर का एलसीएम लेना ना आप लोग के लिए बड़ा आसान होता है मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री तो टू और थ्री का एलसीएम लें क्या आएगा बताएंगे सिक्स क्या आएगा सिक्स थ्री टू जा सिक्स एंड टू थ्री जा गॉड तो सिक्स आ गया यहाँ पे आ गया थ्री यहाँ पे आ गया टू ये थ्री कैसे लिखते हैं यहाँ पे बताएंगे जो आपका एलसीएम होता है वो आपके डिनोमिनेटर से होता है डिवाइड तो सिक्स को टू से डिवाइड करें आपका आंसर आएगा थ्री और जो आपका आंसर आया वो आपके न्यूमरेटर से क्या होता है मल्टीप्लाई फिर थ्री को आप वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये थ्री आया इसी तरह सिक्स को आप थ्री से डिवाइड करें क्या आंसर आएगा टू और टू को आप बेसिकली इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर ये मिला और फाइनली आपका आंसर आ गया फाइव अपॉन सिक्स
एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लेने के बाद आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि एलसीएम को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। जो आपका एलसीएम होता है वो आपके डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, उसके बाद जो आंसर आता है वो आपके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। अब सवाल उठता है यार वहां पे तो नंबर्स है ना, यहाँ तो नंबर्स थे 2, 3, एलसीएम लेना समझ में आता है। अब सर यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में 4 माइनस x और x है। अब इधर हम क्या करेंगे वो सुनिएगा, इधर हम ये करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में है वो सारे के सारा एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस x भी एलसीएम में आ गया, x भी आ गया। इसे पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। इस रूल को याद करने का तरीका ये है कि इट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। इक्वल टू के उस तरफ तो 3 चल रहा है। अब देखें जब आप इसे इससे डिवाइड करेंगे, बेशक यहां पे करके दिखाता हूं पहले, फिर डायरेक्ट एक रूल समझाऊंगा। 4 माइनस x इंटू एक्स को 4 माइनस x से डिवाइड करें, कैंसिल हो गया ये, क्या बचा x, वो x आके इस x से क्या होगा मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर। फिर 4 माइनस x इंटू एक्स को x से डिवाइड करें, x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा 4 माइनस x, वो इस 2 से आके मल्टीप्लाई होगा। यानी ये करें, पहला काम क्या है कि जो डिनोमिनेटर में सारी चीजें हैं वो क्या बन जाएंगी एलसीएम, जो डिनोमिनेटर में सारी चीजें हैं वो क्या बन जाएंगी एलसीएम, उसके बाद जो पर्टिकुलर डिनोमिनेटर को आप सॉल्व कर रहे हैं उसको कैंसिल कर दें, जो दूसरा बच गया उसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दें। गेटिंग माई पॉइंट सकीना एंड जुबेना? यस सर, कैन यू एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम? या श्योर श्योर। पहला क्या है काम कि जो भी आपके डिनोमिनेटर्स हैं, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर्स हैं वो आपके क्या बन जाएंगे एलसीएम, ये बन गए। अब जिस एलसीएम को जिस डिनोमिनेटर के साथ सॉल्व कर रही हो ना सकीना, लेट्स अगर तुम इसको इसके साथ सॉल्व कर रही हो 4 माइनस x के साथ, तो 4 माइनस x से 4 माइनस x क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा x, तो ये x आके इस x से क्या होगा मल्टीप्लाई, आंसर आ गया x स्क्वायर। और जब आप इसी एलसीएम को इस वाले डिनोमिनेटर से सॉल्व करें तो x से x क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या 4 माइनस x, वो 4 माइनस x आके इस 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, वो मैंने ये लिखा हुआ है, और बीच में क्या साइन चल रहा है माइनस वाई सीधा। जैसे कि ना, गेटिंग माय पॉइंट? यस। नाउ अब सिंप्लीफाई करते हैं, आओ एक्स स्क्वायर अपनी जगह -2 से मल्टीप्लाई करो, तो -2 इंटू 4 माइनस 8 -2 इंटू माइनस एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स 4x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। एक बार बताओ इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो? सर 4x माइनस एक्स स्क्वायर को हम 3 के प्लस जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सेलेंट सकीना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2x इक्वल टू 3 इनटू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2x 3 से मल्टीप्लाई करें 12x माइनस 3x स्क्वायर। यहां पे सॉल्व करता हूं ताकि अगले पेज पे ना जा सकूं। Now, दोनों इन्हें इधर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, मैंने एक्स स्क्वायर के साथ आके लिख दिया, प्लस 2x माइनस 12x इसके साथ आके लिख दिया जाएगा, और साथ में चल रहा है माइनस 8 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 इक्वल टू 0। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी कि अगर आपके कोफिशिएंट्स एक ही टेबल में जा रहे हैं तो आप पहले उसको कॉमन लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें,
जैसे कि 4, 10 और 8, ये तीनों किसके टेबल में जा सकते हैं? टू सर, टू टू, तो मैंने टू कॉमन लिया तो 4 बन गया 2x स्क्वायर, 10 बन गया 5x, 8 बन गया 4. ये 2 वहां जाके 0 से डिवाइड हो गया, खत्म. 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई? अब आप इसको सॉल्व कर लें. तो मेरे ख्याल से अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ए टू बी माइनस फाइव सी माइनस फोर, माइनस माइनस फाइव डिवाइडेड बाय टू इंटू टू, फाइव प्लस माइनस 25, माइनस माइनस प्लस 4, 4 जा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 32 डिवाइडेड बाय 4. फाइव प्लस माइनस ये हो जाएगा 57. 57 की अगर मैं बात करूं तो 57 बेसिकली 19 के टेबल में जाता है. थ्री वन है, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा क्योंकि 19 और 3 दोनों ही अलग फैक्टर्स हैं, तो उसका मतलब ये ही रहेगा. तो 5 प्लस रूट 57 अपॉन 4, 5 माइनस रूट 57 अपॉन 4. आपको पता है पेपर 2 में हुआ तो क्या करना है, ठीक है? यहीं तक रखता हूं मैं आपके साथ, जरा इसको एक दफा थॉरली देख ले ये वाले क्वेश्चन को. मैं एक दफा दोबारा स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये ले, दिस इज योर फर्स्ट स्लाइड. वैसे मैंने पिक्चर्स ले लिए सारों की, बट एक दफा दोबारा एक दफा रिव्यू करें इसे. और ये आपकी सेकेंड स्लाइड. मैं पिक्चर अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं. तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? क्वाड्रेटिक को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना आता है हमें, चाहे हमें डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई हो या हमें दो तरीकों की नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अभी आपको पढ़ाई, एक प्रोडक्ट वाली और एक फ्रैक्शन वाली, जिसको आपको स्टैंडर्ड बनाना भी आता है. कोई सवाल, कोई बात ऐसी जो ना समझ में आई हो? नो सर. नो सर. गुड. सो थैंक यू सो मच क्लास. नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं.